नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी पसंद के चैनल गौतम बर्मन ब्लॉग। तो भाई मैं आ चुका हूँ महाराजा सेकंड हैंड बाइक शोरूम के अंदर। अभी आप लोगों को स्कूटी दिखाऊंगा, तीन स्कूटी नया घुसा है यहाँ पे अवेलेबल है, तो तीनों की तीनों मिल जाएगा आपको। और मैं अभी इसका रेट बताऊँगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फैसिनो है, इसका रेट लगेगा भाई टोटली 55,000। 55,000 में ये फैसिनो मिल जाएगा, टोटली 12,000 किलोमीटर चला हुआ है। आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। देख लो भाई, आप लोगों को बता दिया है कितना हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। कंडीशन बहुत ही अच्छा है इसका, टायर की कंडीशन आप देख सकता है यहाँ पे, बॉडी भी अच्छा देख सकता है, बॉडी कवर अच्छा है। और पीछे के साइड दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ भाई, यह है पीछे की साइड, आप देख सकता है बहुत ही अच्छा कंडीशन में ये मिल जाएगा। और जस्ट उसका बगल में एक्टिवा है 6G W सीरीज का है, ये आपको 60,000 में मिल जाएगा, 60,000 में ये आपको मिल जाएगा भाई। देख सकता है बहुत ही लाजवाब है, इसका किलोमीटर दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसका किलोमीटर बहुत कम चला हुआ है। ये कंडीशन देख सकता है, टायर की कंडीशन बहुत ही अच्छा है। और आगे की साइड से अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लाल कलर के अंदर मिल जाएगा भाई। और टायर की कंडीशन है ये देख सकते हैं आप, लाजवाब है। उसी का जस्ट बगल में भाई प्लेसर है, इसका भी कंडीशन बहुत ही अच्छा है, एल सीरीज का है, आप देख सकते हैं एल सीरीज का है, लाजवाब है ये भी। तो भाई आप लोगों को दिखा दिया है तीनों के तीनों स्कूटी। चैनल पे अगर नया है, पहली बार दिख रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना, इसी तरह ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा गौतम बर्मन ब्लॉग्स पे। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताना क्या प्राइस होना चाहिए प्लेसर का, कितने प्राइस में आप लोग ले सकता है, जरूर कमेंट करके बता देना। उसके बगल में जो एक्टिवा 6G है, इसका भी प्राइस क्या होना चाहिए जरूर कमेंट करके बता देना भाई। और उसके बगल में क्यू सीरीज का फैसिनो है, इसका भी क्या प्राइस है कमेंट करके बता देना। आप लोगों को तीनों के तीनों में बता दिया है, आज बना स्कूटी की वीडियो ब्लॉग, तो आप लोग जरूर बता देना क्या प्राइस होना चाहिए। तो चलो चलते हैं, चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना, इसी तरह ब्लॉग देखने के लिए। फिर एक नया ब्लॉग के साथ मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बाय बाय।